क्लासेस अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 19 के बारे में, जिसके से 19 भी अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 19 सी के बारे में। तो चलिए 19 सी की जो फर्स्ट हेडिंग है वह है रोल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इनके बारे में अपन डिस्कस कर लिया था और दोबारा अपन वापिस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें फर्स्ट रूल आएगा आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करने के कितने रूल है, फर्स्ट आपका प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल्स, यानी दो फंक्शन आपको गिवन है, वो दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट रूल में है ना। दो फंक्शन किसमें, प्रोडक्ट के अंदर, तो उन फंक्शन का अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो देखिए। फर्स्ट केस के अंदर दो फंक्शन दिए हैं आपको, डी अपॉन में डी एक्स, जैसे फॉर एग्जांपल यू एंड वी ले लेता हूं, तो पहले ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट के अंदर आप फर्स्ट फंक्शन को सेम कर लो, सेकेंड फंक्शन का आप डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो dv अपॉन में dx, फिर प्लस अब सेकंड फंक्शन को सेम कर लो और फर्स्ट का क्या हो, यानी फर्स्ट का आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसे आपको करना है। सेकंड केस के अंदर मान लीजिए कि तीन फंक्शन आपको गिवन है, u v और w, तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है, प्रोडक्ट में गिवन है आपको। तो इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट टू को सेम कर लो, फर्स्ट टू को सेम कर लो और w का डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dw अपॉन में dx। अब इसको मैंने इन दोनों को सेम किया था, अब इसको और इसको सेम कर लो, यानी u एंड w को सेम कर लो, v का dv अपॉन में dx हो जाएगा। अब इन दोनों को सेम कर लो तो प्लस v इंटू डब्ल्यू तो सेम, और u का करेंगे तो du अपॉन में dx, du अपॉन में dx। यदि आपको तीन फंक्शन प्रोडक्ट में गिवन आपको, तो क्या करना है आपको कि एट ए टाइम टू को सेम करना है और वन का डिफरेंशिएट करना है, बस ये करना है, तीनों का तीन बार कर देना, तीन स्टेप आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन मेथड यहां पे डिस्कस करेंगे, सेकंड मेथड कोशेंट रूल। कोशेंट रूल्स, कोशेंट रूल को देखिए। कोशेंट रूल में क्या है कि दो फंक्शन आपके क्या है, डिवाइड में गिवन, जैसे u अपॉन v आपके है ना, ये भी अपन डिस्कस कर लिया था पहले इंट्रोडक्शन में। इन दोनों फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करना है, तो ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर का नीचे स्क्वायर, डिनोमिनेटर यहां पे सेम होगा, ठीक है ना। इसकी तरह यहां पे आपका फर्स्ट फंक्शन सेम है तो यहां पे डिनोमिनेटर सेम होगा, और किसका करना है, इस यू का डीवी अपॉन में डीएक्स, फिर माइनस अब न्यूमरेटर को सेम कर दो और नीचे वाले फंक्शन का कर दीजिए डीवी अपॉन में डीएक्स। देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट, या फिर आप ऐसे ले सकते हो, ये ऊपर फंक्शन है, ये नीचे फंक्शन है, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डिफरेंशिएट, ऐसे आप माइंड में रख सकते हो। और इसको भी आप रख सकते हो फर्स्ट और सेकेंड, पहला सेम सेकेंड का डिफरेंशिएट और फिर दूसरा सेम और फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ठीक है ना। तो ये आपके रूल्स अपन डिस्कस कर लिए हैं। देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लेना और अपन फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, फर्स्ट में गिवन है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और टी और यू एज द केस में बी। तो फर्स्ट में आपको जो फंक्शन गिवन है उसको मैं ले लेता हूं वाई इक्वल टू लेट करके ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस
डी, ये लीजिए दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है ना। इस फंक्शन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी इस पूरे फंक्शन का मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप आप करते रहिए, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। इस फंक्शन का डिफरेंशिएट मुझे करना है, तो पहले तो आपको लिखना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएट करूं तो डी वाई का डी वाई बाय डी एक्स, जिसमें फर्स्ट तो सेम आ जाएगा ए एक्स प्लस बी तो सेम, डी अपॉन में डी एक्स सी एक्स प्लस में डी आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन सेम सी एक्स प्लस डी तो सेम, किसका करना आपको डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का कर दीजिए ए एक्स प्लस में बी, ये लीजिए। अब अपन ये पूरा सेम लिखे तो ए एक्स प्लस बी तो आपका सेम, इसका डिफरेंशिएट करूं तो सी, और सी तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का कितना वन प्लस डी का कितना जीरो, कांस्टेंट वैल्यू का कितना होता है जीरो, प्लस सी एक्स प्लस में डी, इसका करें तो ए इंटू वन प्लस में जीरो आ जाएगा, इसी को मैं लिख सकता हूं सी इंटू ए एक्स प्लस बी, और प्लस इसको लिख सकता हूं मैं ए इंटू सी एक्स प्लस में डी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है, ये आपका आंसर है। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में आपको गिवन है, सबसे पहले लेट करके वाई फंक्शन मान लीजिए, वाई इक्वल टू मान लो एफ ऑफ एक्स मान सकते हो, आपकी मर्जी है, एक्स की पावर 100 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 50 माइनस 3, और इसके प्रोडक्ट में एक फंक्शन गिवन आपको कि 7x की पावर 8, 7 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 20x प्लस 5, और ये लीजिए इसका करना आपको डिफरेंशिएट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट तो फर्स्ट को मान लीजिए, सेकंड आप इसको मान लीजिए, और आपको इस फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है ना, ये लाइन तो परमानेंट है, लिख देना कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका करें तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन सेम, एक्स की पावर 100 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 50 माइनस 3, ये तो सेम, और इसका करते हैं डी अपॉन डी एक्स 7x की पावर 8 प्लस 20x प्लस 5, फिर प्लस 7 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 20x प्लस 5, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का कर दीजिए, फर्स्ट का x की पावर 100 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 50 और माइनस 3, ये इस पूरे का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो पूरा फंक्शन सेम आ जाएगा, x की पावर 100 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 50 माइनस का 3, ये तो सेम हो गया, और इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव करूं तो 7 तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कितना होगा 8 इंटू एक्स की पावर 7, ठीक है ना, एक्स की पावर 8 का कितना पावर, पहले पावर में से एक कम, ठीक है, और ये 20 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर, एक्स का कितना 1 और कांस्टेंट वैल्यू है कितना 0, इसमें ये फंक्शन तो सेम आ जाएगा, तो 7 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 20x प्लस 5 तो पूरा सेम, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करो तो पावर पहले और पावर में से एक कम, तो एक कम कर दो 99, इसको मैं सोल्व करूं तो 2 इंटू पावर पहले और पावर में से एक कम, तो 40 यानी 50 में से आप एक कम करोगे तो 49, और ये आपका कांस्टेंट वैल्यू का 0, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं यहां से कर दो या यहां से कर दो, x की पावर 100 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 50, ठीक है ना, और माइनस का 3 इंटू, इसको सोल्व करो तो 8 इंटू 8 सात 56 56 इंटू एक्स की पावर 7 और प्लस में 20, ठीक है, आगे वाला सेम हो गया, प्लस इसको कर दो 7x की पावर 8 प्लस 20x प्लस 5,
इसको लिख सकता हूं मैं 100 इंटू एक्स की पावर 99, और ये वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू एक्स की पावर 49। ठीक है ना, आप इतना लिख के आओ तो भी सही है। अब मैं आंसर को चेक कर लेता हूं। ठीक है, ये आपका आंसर है। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट। तीन फंक्शन आपको गिवन मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, और इसका थर्ड क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड, थर्ड फंक्शन को आप टू फंक्शन बना सकते हो, ओनली सिंगल फंक्शन भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, जिससे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। कि मैं लिख सकता हूं 2x² - 1, 2x ओनली, और ये वैल्यू हो गई आपकी x प्लस में 2। ठीक है, 2x - 1 और x प्लस 2। अब आप ये तीनों फंक्शन बना सकते हो एक एक टाइप करके, ठीक है, और अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी मर्जी, जैसे भी सोल्व करो वैसे कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, जिसे आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, ठीक है ना, वैसे कर सकते हो, और मैं जैसे यूज हो रहा है वैसे यूज करता आ रहा हूं, ठीक है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, तो इसका करेंगे तो डीवाई बाई डी एक्स। तीन फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो तो एट ए टाइम आपको टू फंक्शन को सेम करना है, ठीक है ना। तीन फंक्शन जब आपके मल्टीप्लाई में हो तो एट ए टाइम टू फंक्शन को सेम करना है, तो इन दोनों को मैं सेम कर लूं, तो एक्स इंटू 2x - 1 और इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस में 2 प्लस, अब इन दोनों को सेम कर दो, तो x इंटू एक्स प्लस 2 को सेम, डी अपॉन डी एक्स किसका, 2x - 1 का, अब इन दोनों को सेम कर दो, 2x - 1 इंटू 2x + 2 और डी अपॉन डी एक्स किसका, फर्स्ट फंक्शन का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x इंटू 2x - 1, इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूं तो x का तो कितना 1 और 2 का कितना 0, ये तो सेम है आपका, तो x इंटू x प्लस 2 तो सेम, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करो तो 2 तो कांस्टेंट है, x का कितना 1 और इसका कितना 0, प्लस 2x - 1 इंटू एक्स प्लस 2, x का कितना 1, इसी को मैं लिख सकता हूं x इंटू 2x - 1 प्लस x इंटू, देखो ये 2 भी आ रहा है यहां पे, वैल्यू कितनी है आपकी 2 इंटू 1 2 2 माइनस 0 2, ठीक है ना, तो 2x इंटू एक्स प्लस में 2 प्लस 2x - 1 इंटू एक्स प्लस में 2, ये आपका फंक्शन का डिफरेंशिएट आ जाएगा। ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो वही आंसर आने वाला है, आप कैसे भी कर लो आंसर वही सेम ही आएगा हमेशा। ठीक है, करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। ये भी वापस तीन फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो अब मैं ऐसे ना अप्लाई करके डायरेक्ट कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फंक्शन जो गिवन है वो देखो, लेट करके सबसे पहले इसको वाई मान लीजिए, ठीक है, और फंक्शन आपका है x - 2 x + 3 2x + 5, ये फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएट करूं तो कितना आएगा, देखो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये लिख देना आप, y का कितना dy/dx, फर्स्ट टू फंक्शन को सेम कर लो, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है और ये थर्ड फंक्शन है, फर्स्ट टू को मैं सेम कर दूं x प्लस में 3। ठीक है, अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख कर रहा हूं इसका, यानी इस फंक्शन को ऐसे ना लिखे, इस फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं मैं, तो देखो 2 तो कांस्टेंट है ये लीजिए, और इस x का करेंगे तो 1 और ये प्लस का 0। ठीक है ना, आप एग्जाम में ऐसे करके आना है, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ मत देना, ठीक है ना, नंबर कटने के चांस है, वैसे कटते तो नहीं है लेकिन कटने भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, अपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक बार आप एक लाइन और लिख देना है ना। तो फिर देखो अब इन दोनों को सेम कर लो, फर्स्ट और थर्ड को सेम कर लो,
और मैं इस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करूं तो एक्स का तो कितना 1, 3 का कितना 0। उसके बाद में फर्स्ट 2 को सेम कर लो, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 3, और इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। देखो इसको, इस दोनों को सेम करना ना, लास्ट 2 को सेम करना है, तो ये सेम और 2x प्लस 5 सेम, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 और 2 का 0 ये आ जाएगा। अब इसी को मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 इंटू, ठीक है ना, ये देखो 2 भी आ रहा है यहां से, ये 2, ये 2 यहां पे लिख दीजिए, x प्लस 3 प्लस, इसको लिख सकता हूं मैं x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5, और ये 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस इसको लिख सकता हूं मैं x प्लस 3 इंटू 2x प्लस में 5, ये आपका इस फंक्शन का डिफरेंशिएट आ जाएगा, ठीक है ना भाई। लाइन टेढ़ी-मेढ़ी जा रही है, देख लेना, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 के बारे में। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर अपन 4 यानी 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 में क्या गिवन है, फिफ्थ में आपको गिवन है कि लेट करके फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, रहने दो, लेट y इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन में 3x माइनस का 2, और सिक्स्थ में आपको गिवन है y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट आपको करना है। देखो करते हैं इसका, कोसेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कोसेंट रूल क्या कहता है, सबसे पहले तो लाइन वही कर दो आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का करो dy dx हो गया, इक्वल टू नीचे जो फंक्शन आपको गिवन है डिनोमिनेटर वाला, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो, ये लो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे जो फंक्शन उसको यहां पे सेम कर दीजिए 3x माइनस 2, और ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है किसका, 2x प्लस 5 का, पहली स्टेप, फिर यहां पे आएगा माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन को सेम कर दीजिए, यानी जो न्यूमरेटर है उसके वाले जो फंक्शन है, न्यूमरेटर वाले फंक्शन को उसको आप सेम कर दीजिए, और डिफरेंशिएट करना है आपको नीचे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, ये लीजिए, ठीक है। अब सॉल्व करना है, अब तो सारी चीज आप जानते हो कि dy/dx इक्वल टू 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो सेम है, 3x माइनस 2 तो सेम, इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएट करूं तो 2 इंटू एक्स का कितना 1 प्लस 5 का कितना 0 माइनस, ये तो सेम, 2x माइनस प्लस 5 इंटू इसका करें तो 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, x का 1 माइनस 2 का 0। अब मैं चेक कर लेता हूं इसको, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो देखो ध्यान से देख लो, यहां से 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 0 कितना 2, 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी 6x माइनस 2 यानी 4, फिर माइनस यहां से 3 है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आएगी आपकी 6x, और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आएगी आपकी 15, ठीक है ना, मैं माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पे, अपॉन में वैल्यू आपकी 3x माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 19 अपॉन में 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये फंक्शन आपका dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 6 को अपन डिस्कस करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी सेम ही करना है आपको। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, इस फंक्शन का करें तो डी बाय डी एक्स, कोसेंट रूल अप्लाई करें तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। नीचे वाला फंक्शन सेम यानी डिनोमिनेटर वाला फंक्शन तो सेम, और डी अपॉन डी एक्स किसका, ऊपर वाले फंक्शन का न्यूमरेटर का आपको डिफरेंशिएट करना है। फिर माइनस न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट एक्स प्लस फोर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करूं तो एक्स प्लस फोर तो सेम, इसका डिफरेंशिएट कितना 2x, यानी एक्स स्क्वायर का कितना 2x, माइनस थ्री का कितना 0, और इसको मैं सोल्व करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री तो सेम, एक्स का कितना 1 और इस 4 का कितना 0 अपॉन में कितना है एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं 2x माइनस 0 कितना 2x, 2x का मल्टीप्लाई इसके साथ में कितना 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 2x का मल्टीप्लाई इसके साथ में करो 8x आ गया। फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का ये माइनस माइनस प्लस ये लीजिए, अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। इसी को लिख सकता हूं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आपका 8x और प्लस में 3 अपॉन में एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, ठीक है ना, कंप्लीट बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है कि y इक्वल टू 2x प्लस 2x माइनस 2x माइनस 3 अपॉन में 3x प्लस 4, ये फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएट आपको करना है, ठीक है, करते हैं देखो, ठीक है। देखो सबसे पहले इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये लाइन तो लिखनी होगी परमानेंट, y का dy by dx, y का dy by dx इक्वल टू ठीक है ना, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम 3x प्लस 4 सेम, d अपॉन dx किसका 2x माइनस 3 का, फिर माइनस 2x माइनस 3 सेम, और d अपॉन dx किसका 3x प्लस में 4 का, ठीक है, कर दीजिए। 3x प्लस 4 तो सेम है आपका, इसका मैं करूं तो 2 तो कांस्टेंट है, x का 1 और 3 का 0, माइनस 2x माइनस 3 सेम, इस 3 तो सेम, x का कितना 1 प्लस 4 का 0 अपॉन में 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करें तो 6x प्लस 2 का इसके साथ में करो 8, माइनस 3 का इसके साथ में करो 6x, ठीक है ना, ये आया हुआ है तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो गया ना, चलो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो माइनस 6x और ये प्लस का 9 अपॉन में वैल्यू आएगी, प्लस का 9 अपॉन में वैल्यू आएगी 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। 6x से 6x कैंसिल आउट, 8 प्लस 9 17 अपॉन में 3x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी डी बाई डीएक्स की वैल्यू, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 में 17 अपॉन 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको डिफरेंशिएट समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कोसेंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल कैसे अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना,
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।